सर्दी का मौसम शुरू होते ही अस्पतालों में सर्दी और जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना ओपीडी में 120 से 150 के बीच बच्चे आ रहे हैं। इसमें औसतन बच्चे इसी बीमारी से पीड़ित निकल रहे हैं। अस्पताल में जांच के दौरान जिन बच्चों की तबीयत अधिक खराब और निमोनिया के लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। आमतौर पर बच्चे घर पर नंगे पाँव फर्श पर खेलते रहते हैं। इसके अलावा पानी के साथ खेलने से गुरेज नहीं करते, इस वजह से सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे बच्चों को अगर समय पर इलाज ना हो तो उन्हें निमोनिया होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बाल रोग विशेषज्ञ अभिभावकों को बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दे रहे हैं। KDKM हॉस्पिटल में वर्तमान समय में करीब 100 बच्चे वार्ड में भर्ती हैं। यह सभी बच्चे सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। इन बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन विशेष ध्यान दे रहा है। इसे लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि सर्द मौसम शुरू होते ही अस्पताल में सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी है कि वह बच्चे को ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पीने को दे और सर्द मौसम में बच्चों की देखभाल विशेष रूप से करे। अभी बच्चों को ज़्यादातर सांस की दिक्कत हो रही है, बहुत शुरुआत खांसी सर्दी से हो रहा है और साथ ही बुखार, और थोड़े दिन में देखा जा रहा है कि थोड़े घंटे दो घंटे या एक दिन बाद ही सांस तेज होने की शिकायत, दम फुल्ली की शिकायत हो रही है। तो ऐसे स्थिति में बच्चे को हल्का सर्दी खांसी हो तो घर पे ही मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर दम फूलने लगे, बुखार बहुत तेज़ हो, मतलब 102 103 हो जाए, या बच्चे को कुछ चमकी से शिकायत हो, ऐसा कुछ हो, तो जल्द से जल्द अपना हॉस्पिटल में आना चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। वैसे स्थिति में जब दम फूलने की शिकायत होती है तो उसमें भर्ती करना ही अच्छा रहता है। किस तरह के मरीज अभी आ रहे हैं जी? किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? बस वही, ज़्यादातर बच्चे वही है, सर्दी खांसी दम फुल्ली को लेके आ रहे हैं। प्रतिदिन अभी केजरीवाल अस्पताल में कितने बच्चे आ जाते हैं? अभी तो हमारे पास 100-150 बच्चे रोज, मतलब वो इमरजेंसी मिला के आ जाते हैं। और सर्दी क्षेत्र से आते हैं? जी, दोनों क्षेत्र से आते हैं। बचाव के लिए ही कि जैसे कि अभी जो है कि तापमान में जैसे है कि दिन में बहुत गर्मी रहती है, रात में अचानक ठंड हो जाती है, तो उसमें ठंड में थोड़ा बचा के रखना है बच्चे को, है ना। और जो खाना पाना है, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो सही आहार देना है बच्चे को, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, सही टाइम पानी वानी सब मेंटेन रखना है। मौसम देखा जा रहा है बिल्कुल क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो बच्चे को अगर गर्म कपड़े पहना रहे तो दिन में गर्मी है जी, तो बच्चा उससे चिड़चिड़ा हो जा रहा है जी, हो रहा है ज़्यादा, और मान लीजिए रात को बिल्कुल टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, तो उसको लेके क्या नहीं नहीं देखिए वो न्यू बॉर्न बेबी है, उनके न्यू बॉर्न बेबी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है, एक तो स्तनपान तो जरूर कराएं उसको, 6 महीने तक से वही कराना होता है, और जैसे टेम्परेचर के हिसाब से पहनाना है, अगर गर्मी है तो उस हिसाब से कपड़ा भी उसी हिसाब से होना चाहिए, रात के टाइम में ठंड है तो थोड़ा ऊनी कपड़ा होना चाहिए, ये तो ध्यान रखना। मरीजों का संख्या ज़्यादा बढ़ गया जी? जी बिल्कुल, अभी तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आने वाले समय में जैसे शीतलहर शुरू होगा तो उसमें और संख्या बढ़ेगी जी? अभी आने वाले समय में मेनली ये ज़्यादा होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी से ठंड की तरफ हम जाते हैं या ठंड से गर्मी की तरफ जाते हैं, उस स्थिति में ज़्यादा बच्चे आते हैं और शीतलहर होते हैं। क्या परिचय होगा? मेरा नाम डॉक्टर संतोष। ये एशियन पेंट्स का GX19, इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर, टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX90 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।